जो हम खाते हैं, जो आहार होता है, वो तीन गुण में रहता है। एक मिनट, तो हर चीज तीन गुण में रहती है, तो जो हम आहार करते हैं ये भी तीन गुण में रहता है। तो आज हम सत्व गुण के आहार की बात करेंगे। इसके बाद दो श्लोक और है, जिसमें रजोगुण का आहार और तमोगुण के आहार में भी बताया गया है। तो देखते हैं ये श्लोक कितना बढ़ता है। तो तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व गुण का कुछ फूड होता है, रजोगुण का, तमोगुण का। तो ये भगवद गीता 17 अध्याय 7 नंबर श्लोक सत्व गुण के आहार बताता है। आहारस्त्वपि सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञदान। 17 अध्याय 7 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि तीन प्रकार का आहार होता है। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, 8 नंबर श्लोक में बताते हैं सत्व गुण के आहार के बारे में। नेक्स्ट श्लोक, सत्व गुण का आहार, तो किस प्रकार का आहार करना चाहिए ये भगवान बोलते हैं। आहार करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रश्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिया। तो अगर हम कुछ खाते हैं तो उससे हमारी आयु बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? जो हम खाते हैं उससे आयु बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। यस, तो बड़ी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, उम्र बढ़नी चाहिए खाने से। नहीं खाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। लेकिन जो हम खाते हैं उससे हमारी उम्र बढ़नी चाहिए। यस, लेकिन क्या खाने से उम्र कम हो जाती है? कुछ क्या खाएंगे हम डेली जिससे हमारी उम्र कम हो जाएगी? कोई आंसर आपकी तरफ से, क्या खाने से उम्र कम होती है? फास्ट फूड खाने से लाइफ स्लो हो जाती है। जंक फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से लाइफ की डेथ भी फास्ट हो जाती है। फास्ट फूड, अल्कोहल ड्रिंकिंग करने से, ओके, क्या खाने या पीने से उम्र कम होती है? फास्ट फूड, फास्ट फूड। तो हमें फास्ट करना चाहिए, लेकिन फास्ट फूड से बचना चाहिए, है ना? फास्ट तो करना चाहिए, बहुत अच्छा है, फास्ट फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग करने से उम्र बढ़ती है, लेकिन फास्ट फूड खाने से उम्र कम होती है। मीट ईटिंग, यस, मीट ईटिंग करने से भी। तो बहुत सारे इस तरह आंसर है। तो जो सत्व गुण का है, सत्व गुण का खाना क्या करेगा? आयु को बढ़ाएगा। आयु, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। तो सत्व गुण का जो भोजन है, आहार, उसके बारे में ये श्लोक है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रश्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिया। आयुः सत्व बला आरोग्य, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, सत्व एग्जिस्टेंस, हमारा वही ड्यूरेशन ऑफ लाइफ सत्व गुण। हमारा सत्व शुद्धि होता है इससे, तो आयु बढ़ती है। जो सत्व गुण का सात्विक फूड अगर हम खाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, बल बढ़ता है। आरोग्य, तो अगर हम अच्छा खाएंगे, सात्विक फूड खाएंगे, तो बीमार नहीं होंगे, बीमारी कम होगी, बीमारी से बचेंगे। लेकिन कुछ भी खाएंगे, कभी भी खाएंगे, कैसे भी खाएंगे, तो बीमारी भी आएगी, बीमारी आती है। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, कराना चाहिए। बहुत अच्छा है, करना तो चाहिए, दूसरों को भी कराना चाहिए। यस, तो आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः।
आयु बढ़ाता है सत्वगुण का सात्विक भोजन। तो गीता में एक श्लोक है, भगवान जिसे बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में, तो भगवान को कौन सा भोजन पसंद है, आहार पसंद है, सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, भगवान को कौन से गुण का आहार पसंद है? सत्वगुण का। तो गीता में एक श्लोक भगवान बोलते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जो भी मुझे इस तरह अर्पण करता है, मतलब जो भी सात्विक कैटेगरी में श्रेणी में है, भगवान ने वही बताया, पत्र पुष्प फल फूल पानी, ये अगर कुछ कोई मुझे अर्पण करता है, और वो भी साथ में किस तरह अर्पण करना है, प्रेम से, तो अगर प्रेम से अगर कोई अर्पण करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो इस तरह सात्विक आहार करना चाहिए, आयु, उससे क्या होगा, आयु बढ़ेगी, सत्वगुण बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, स्ट्रेंथ, आरोग्य, व्यक्ति बीमार नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, सात्विक गुण के खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और क्या होगा, व्यक्ति सुख अनुभव करेगा, हैप्पीनेस मिलेगी इस तरह खाने से, दुख नहीं होगा। तो व्यक्ति कुछ खा रहा है, उससे उसको बहुत मिर्ची लग रही है, पसीना आ रहा है, फिर भी खा रहा है, सुख नहीं है खाने में, और प्रीति, प्रीति मतलब सेटिस्फेक्शन, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक भूख लगती है, हम कुछ अच्छा खाने को मिलता है, खाने के बाद एक न्यूट्रिशन, एक नोरिशमेंट मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्रीति, विवर्धना, ये सब बढ़ते हैं, सुख बढ़ता है खाने से, हैप्पीनेस आएगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आरोग्य बढ़ेगा, तो ये सब किस क्या खाने से बढ़ेगा, सत्वगुण का भोग खाना, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। और वो भोजन किस प्रकार का होगा, रश्या, रश्या मतलब उसके अंदर रस रहता है, जूसी, सूखा सूखा नहीं रहेगा, एकदम गले में फंसने वाला, थोड़ा पौष्टिक रस युक्त तो भोजन रहता है, सात्विक, सात्विक भोजन मतलब उसके अंदर रस है, स्निग्ध, स्निग्ध बोल सकते हैं, बहुत मधुर, क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे आंसर में आया फैटी, बहुत फैट रहेगा उसके अंदर, पोषण मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ खाने से, सारे सात्विक भोजन में सारे विटामिन प्रोटीन सब कुछ रहता है उसमें, तो सारे पोषक तत्व तो उसके अंदर रहेगा, स्निग्धा, स्थिरा, और उस वो जीवन अवधि बढ़ाएगा, स्थिरा, इंड्यूरिंग इंग्लिश में बोलते हैं, और टिकेगा शरीर में, ऐसा नहीं खाया फिर 1-2 घंटे बाद फिर से भोजन करना पड़ रहा है। तो रश्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, हृदया मतलब हृदय शब्द से आया, प्लीजिंग टू द हार्ट, इंग्लिश में आया प्लीजिंग टू द हार्ट, जो हृदय को तुष्टि करता है, तुष्टि प्रदान करता है, तुष्टि प्रदान करता है, आहारः सात्विक प्रियः, तो वो जो आहार है वो सात्विक, सात्विक आहार है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़े, सात्विक विचार आए, सात्विक दिनचर्या हो, तो उस सब के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्वगुण कोई दिक्कत नहीं का आएगा, भोजन करना पड़ेगा। वो कुछ लोग ठीक है इसमें करते सत्वगुण हैं का अगर हम भोजन करेंगे तो तो ठीक ये सत्वगुण हमारे अंदर आएगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो सत्वगुण का अगर भोजन करेंगे तो हमारा मन, हमारा जो चेतना है वो भी सत्वगुण में आएगी, और सत्वगुण की चेतना के द्वारा हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और साथ में आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रश्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक, तो सात्विक आहार करना चाहिए, और भी अच्छा होगा उसको सात्विक समय में करें, सात्विक आहार करना चाहिए सात्विक समय में, ऐसा नहीं कि हम सात्विक आहार ले रहे हैं लेकिन रात की 12 बजे, रात की 12 बजे उठ के, तो ठीक रात की 12 बजे उठ के अगर हम सात्विक आहार, तो
मैच करेगा उसके साथ, मैच नहीं होगा। रूटीन दिनचर्या भी साथी होनी चाहिए, वो तो सोने का समय है। तो एक रेगुलेटेड होना चाहिए लाइफ, कि रोज हमारा एक खाने का एक समय होना चाहिए, कि ये हमारा पर्टिकुलर टाइम है, उस समय में 8 बजे ही खा लेना चाहिए। अच्छा, तो एक सात्विक समय में भोजन करना चाहिए, रेगुलेटेड। अच्छा, इससे क्या आरोग्य के लिए समय पर भोजन करना भी है, ना ज्यादा खाएं ना एकदम बहुत कम खाएं, उसको क्या करें, बैलेंस करें। तो इस श्लोक को हम कुछ थोड़ी देर रिसाइट करते हैं, फिर एंड कर देंगे। आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। इसका तात्पर्य भी है, तो तात्पर्य तो अभी हम इंग्लिश में है। अच्छा, इसमें तात्पर्य नहीं, इंग्लिश हिंदी में इसका ये पढ़ देते हैं। फूड डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस। हमारा सत्व शुद्धि होता है, हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होता है, एंड गिव स्ट्रेंथ बल मिलता है, हेल्थ आरोग्य मिलता है, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। सच फूड्स आर जूसी फैटी होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट। तो क्या करना चाहिए, ये श्लोक हमें इसको याद करना चाहिए, और लोगों को सात्विक भोजन के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो समय आ गया इस तरह कि हर जगह तामसिक ही भोजन मिल रहा है, मांसाहार का बहुत सेवन बढ़ रहा है हर जगह, मैक्सिमम परसेंटेज बहुत सारे राज्यों में मांसाहार करने वालों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ जगह जाएंगे तो आपको शुद्ध सात्विक आहार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा जगह ढूंढे जहाँ पे आपको शुद्ध सात्विक मिले बहुत कठिन है। तो हमें इस तरह सात्विक आहार करना चाहिए, और लोगों को प्रेरणा भी दी कि देना चाहिए कि इस तरह का आहार करें, इसका बेनिफिट समझना चाहिए, और दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि वो भी सात्विक आहार की ओर बढ़े। आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः।